सर्वेभ्यो नमो नमः। वेलकम टू R&R पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य में उत्तर रामचरितम भाग दो। जो मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर बताएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। चलिए पहले उत्तर रामचरितम के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। ये भवभूति की रचना है, नाटक है, 7 अंक मिलते हैं इसमें। करुण रस है, पहला ऐसा नाटक है जिसमें करुण रस को मुख्य रस बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण जो है उपजीव्य है, कुछ लोग पद्म पुराण को भी मानते हैं। समय इसका 700 ईस्वी लगभग है और वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है इसमें। अंकों की बात करें तो चित्र दर्शन पहला, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छाया, चौथा कौशल्या जनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठे की बात करें तो कुमार प्रत्यभिख्यान, सातवा सम्मेलन। ये 7 अंक हैं। प्रमुख पात्रों की बात करें तो राम नायक, सीता नायिका, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जनक सुमंत्र, दुर्मुख जो कि गुप्तचर है, वासंती वन देवता है, वशिष्ठ, तमसा मुरला दोनों नदियां हैं, सौधातिक, चंद्रकेतु, लव कुश, दंडायन, अष्टावक्र आदि जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए उन्हें विशेष कर तैयार करें, जैसे दुर्मुख हो गया, वासंती हो गया आदि। चलिए अब हम इनकी महत्वपूर्ण सूक्तियों की बात करते हैं उत्तरामचरितम की। वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि पहली सूक्ति है। दूसरी देखिए, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। तीसरी देखिए, तीर्थोदकम च वन्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। चौथी सूक्ति देखेंगे, सताम सद्भि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। पांचवा देखिए, अपि ग्रावारोदित्यपद्यलति वज्रस्य हृदयम्। छठी सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, एको रसः करुणमेव निमित्त भेदात्। ये जो सूक्ति है ये तमसा बोलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, कई बार पूछी गई है। सातवीं सूक्ति देखिए, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये मुरला जो नदी है वो बोलती है, महत्वपूर्ण सूक्ति। और आठवीं सूक्ति है, अय कठोर यश की लते प्रियम। इस प्रकार ये 8 महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, उत्तर रामचरिते कति श्लोकाः सन्ति। ऑप्शन है 256, 315, 214, 550। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है 256। उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन अंके गर्भ नाटकस्य योजना अस्ति, किस नाटक में है। ऑप्शन है तृतीय, सप्तमे, प्रथमे, पंचमे। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है सप्तमे, 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर रामचरिते कति पात्राणि सन्ति, कितने पात्रों की चर्चा की गई है। ऑप्शन है 33, 44, 50 या 60। तो मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है 33, 30 पात्रों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, दशरथस्य पुत्री का अस्ति। ऑप्शन देखिए, शांति, शांता, क्रांता, विभाषा। तो इसका सही उत्तर है शांता, दूसरा वाला, दशरथ की एक ही पुत्री है शांता। अगला प्रश्न देखते हैं, सौधातिकः कस्य शिष्यः अस्ति। सौधातिक वशिष्ठस्य, वाल्मीकेः, दशरथस्य। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है वाल्मीकेः, वाल्मीकि के दो शिष्य बताए गए हैं, सौधातिक और दंडायन, दो शिष्य। अगला प्रश्न है, अरुंधति कस्य पत्नी अस्ति। ऑप्शन है वशिष्ठस्य अथवा अगस्तस्य। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है वशिष्ठस्य, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है, और अगस्त की पत्नी की बात करें तो लोपामुद्रा बताई गई है। अगला प्रश्न है, विष्कम्भकेन कः अंकः प्रारभ्यते, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है तृतीयः, तीसरा अंक जो है शुरू होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते कति अलंकाराणां प्रयोगः मिलति। ऑप्शन है 38, 45, 72 या 52। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है 38, 38 अलंकारों का प्रयोग, और सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है 74 बार। अगला प्रश्न लेते हैं, भरतवाक्य कस्य छंदसः प्रयोगः अस्ति।
किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है रुचिरा, शार्दूल विक्रीडितम अथवा वंशस्थ। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है शार्दूल विक्रीडितम। उत्तर रामचरितम के जो भरत वाक्य है उसका, उसमें शार्दूल विक्रीडितम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, ये सूक्ति कौन कहता है? तमसा, मुरला, रामः, वासंती। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है मुरला, दूसरा वाला। चलिए आज का प्रश्न लेने से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। पूछा गया था कि भारद्वाज शिक्षा कस्य वेदस्य अस्ति, ऑप्शन थे ऋक, सा, यजु, साम, अथर्व। तो इसका सही उत्तर था यजु, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की यह शिक्षा है। कई मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इसी तरह चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। आज का प्रश्न लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे किम छंद है? ऑप्शन देखिए वंशस्थ, मालिनी, श्रगधरा या शिखरिणी। इसका जो मंगलाचरण है वो है या सृष्टि ही सृष्टु राद्या वहति विधि हुतम या हविर्याच होत्री। ये मंगलाचरण है, इसको आप उच्चारण से भी पहचानने की आदत डालें। अगर फिर भी दिक्कत होती है आपको तो हमारे चैनल पर एक चैप्टर दिया हुआ है छंद के ऊपर, जिसमें उच्चारण करके बताया गया है कि कैसे किसी छंद को हम उच्चारण से पहचानें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।